नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं जिस सेक्टर के तीन स्टॉक हैं और तीन स्टॉक्स के लिए बड़ा गोल्डन समय आने वाला है। गोल्डन समय ऐसा कुछ नहीं कि लंबे समय के लिए गोल्डन समय, नहीं, छोटे टाइम फ्रेम के लिए एक बढ़िया समय आ रहा है। डाटा की मदद से समझने की और जानने की कोशिश करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि अगर इन स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो यहां से पैसा बनने की पूरी पूरी उम्मीद है 10% तक। कम से कम 3 महीने का समय मान के चलिए और 10% के लिए प्ले कर सकते हैं। पहले पूरी वीडियो समझेंगे, पूरी खबर जानेंगे, डाटा देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल बेसिस पे आएंगे, फिर खरीदना है नहीं खरीदना उस पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर। क्या है? फर्टिलाइजर सेक्टर। अब यहां पे फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की जाए तो अगस्त में जो फर्टिलाइजर की बिक्री है वो अपने टारगेट से 57% ज्यादा हुई है। यानी कि जो फर्टिलाइजर है उसका टारगेट था 100 बेचनी है, 100 फर्टिलाइजर, लेकिन बेका कितना गया? 157। तो 57% टारगेट से ज्यादा, यानी कि उनके प्रॉफिट में डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। और प्रॉफिट अगर अनुमान से बेटर है तो स्टॉक्स भागते हैं, और ये छोटे जो स्टॉक्स होते हैं ना इनमें बड़ी तेजी बनती है। पूरी खबर समझते हैं। अगस्त में फर्टिलाइजर की बिक्री लक्ष्य से 57% ज्यादा हुई है। यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बिक्री में बढ़त देखने को मिली है आपको। अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो 51.62 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 80.93 लाख टन बिक्री होते हुए दिखी है आपको फर्टिलाइजर में। तो ये 57% से ज्यादा हुई है। यानी कि जो नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो टारगेट था फर्टिलाइजर कंपनीज का वो था 51.62 लाख टन की बिक्री का, लेकिन हुई कितनी? 80.93 लाख टन की बिक्री। तो ये जो चीज है ना, ये जो डाटा है वो प्रॉफिट पे इंपैक्ट देगा डायरेक्ट। डायरेक्ट कंपनी के बिजनेस का काम है ये, ठीक है। आगे अगर मैं आपके साथ पर्टिकुलरली बात करूं कि किस कौन से सेगमेंट पे, जैसे कि मैंने आपसे तीन सेगमेंट शेयर करे, यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स, अब कौन से सेगमेंट में कितनी ज्यादा बिक्री हुई है टारगेट के हिसाब से उसको समझते हैं। अगर पर्टिकुलरली यूरिया की बात की जाए तो इनका लक्ष्य जो था वो था 49.3 लाख टन का, 49.30 लाख टन की बिक्री का टारगेट था, लेकिन ये लक्ष्य से 49.30 टन की बिक्री हुई है, लक्ष्य से 46.7% की ज्यादा बिक्री है। यानी कि यूरिया में लगभग 47% ज्यादा बिक्री हुई है। डीएपी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 14.28 लाख टन की बिक्री हुई है और ये उम्मीद से 91% ज्यादा, यानी कि जितनी उम्मीद थी उससे डबल बिक्री होते हुए दिख रही है, आप ये मान के चलो। अगर बात करूं कॉम्प्लेक्स की तो कॉम्प्लेक्स की 17.35 लाख टन की बिक्री होते हुए दिखी है आपको, और जो अनुमान से ज्यादा हुई है वो हुआ है 64%। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो डीएपी की 91% ज्यादा हुई है लक्ष्य से बिक्री, कॉम्प्लेक्स की 64% ज्यादा हुई है, यूरिया की 46% ज्यादा हुई है। लेकिन अगर आप टोटल टर्म्स में देखें कि किसका ज्यादा हुआ है नंबर ऑफ क्वांटिटी परसेंटेज अटाइम, तो वहां पे यूरिया है। यूरिया का बेस बहुत बड़ा है इसलिए उसमें परसेंटेज में उतना बड़ा चेंज नहीं आया। अब तीन कंपनी के बारे में शेयर करता हूं, चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल के नाम से जानते हैं आप, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर आरसीएफ के नाम से जानते हैं आप। अब यूरिया की जो आय है ना, यूरिया से चंबल फर्टिलाइजर की 60% आय यूरिया से आती है, जिसका लक्ष्य से 47% ज्यादा सेल का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। अगर डीएपी की बात की जाए तो इनकी 34% आती है, जो कि अपने टारगेट से 91% ज्यादा बिक्री होते हुए दिखी है। और अगर बात की जाए यहां पे एनएफएल के बारे में, ये चंबल फर्टिलाइजर था कि जिसकी डीएपी में 34% की अधिक, 34% डीएपी से आता है, 60% यूरिया से आता है। एनएफएल की बात की जाए तो यूरिया से 65% की आई है और आरसीएफ की 52% की यूरिया से आई है। कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो 16% आरसीएफ का आय जो है, रेवेन्यू जो है, वो कॉम्प्लेक्स से आता है। तो ओवरऑल देखने को ये मिल रहा है कि यहां पे बड़ा मुनाफा जो होगा वो चंबल फर्टिलाइजर होगा, क्योंकि चंबल की डीएपी और यूरिया दोनों में ही, एक में 60% एक में 35% की आय आ रही है और दोनों में बड़ा इजाफा है। एनएफएल की बात की जाए तो उसका यूरिया का आय 65% है एंड आरसीएफ में 52%, तो आरसीएफ का तो कम हिस्सा है
बट अगर बात करूं मैं चंबल और एनएफएल या फिर आरसीएफ की, तो इनमें बड़ा हिस्सा है। तो आपको डायरेक्टली रडार पे रखना है पहले चंबल फर्टिलाइजर, एनएफएल और आरसीएफ तीनों रडार पे रखने हैं। लेकिन लेने के बारे में कौन सा अच्छा लग रहा है, चंबल फर्टिलाइजर 280 रुपए पे मिल रहा है, स्टॉक को यहीं पे खरीद सकते हैं आप। और सेकंड बाइंग अपनी 270 के रुपए के करीब भी करनी है, बेचना नहीं है खरीदना है बायोडिप्स। टारगेट आपका पहला 300 रुपए का होगा और दूसरा 315 रुपए का होगा, उसके बाद अलग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ये एक्चुअली ये सारी वीडियो मैं आपके साथ अपने कोर्स में शेयर कर रहा था टेलीग्राम पे, जो मैंने इससे पहले वीडियो में अनाउंस भी करा, फिर मैंने कहा टेलीग्राम छोड़ते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने के लिए आप आते हैं, पे करते हैं वहां पे, तो वो दिक्कत थी। तो अभी उतना हमने सोचा नहीं करते हैं एक वीडियो के लिए, अभी हम यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। जब टेलीग्राम कभी आगे स्टार्ट करना होगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी प्रोग्राम था, बट टीम से डिस्कस करा तो फिर वहां पे रिजेक्शन आया, तो नहीं कर रहे हैं हम स्टार्ट। अगले स्टॉक की बात की जाए एनएफएल, एनएफएल की बात की जाए नेशनल फर्टिलाइजर की, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे आपने यूरिया का तो देखा अच्छा था, स्टॉक ने टेक्निकली ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक टेक्निकली 83 तक जाने के लिए तैयार है, बट स्टॉक इस भाव पे मैं खरीदने को रेडी नहीं हूँ। मेरे को नीचे में 70 रुपए पे मिलता है तो मैं तैयार हूँ, उसको वॉचलिस्ट में लगाना है, 70 रुपए पे आएगा तो खरीदना है। लास्ट आरसीएफ के बारे में बात करते हैं, आरसीएफ अगर स्टॉक देखूंगा मैं यहाँ पे तो टेक्निकली क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं, 132 पे, ये भी हाईस पे है, कोई गिरावट होती है अगर 120 रुपए तक तो वो लेने के मौके हैं, 108 रुपए पे और खरीदेंगे एंड फिर ऊपर के टारगेट रखेंगे, अभी लेने का मन नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेटेड वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।